नमस्ते, मैं जानवी झा माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। आज का विषय है अपने डिप्रेशन को खुद दूर करें, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए, हम जब दुखी होते हैं तो हम ही होते हैं, हम अकेले होते हैं तो हम ही होते हैं, मैं और मेरा अकेलापन। हम टेंशन में होते तो हम ही होते हैं, हम बीमार होते तो हम ही होते हैं, हमें कुछ चोट लग गया तो हमें ही चोट लगता, हमारे शरीर को ही लगता है, उसकी दवाई हम खाएंगे तो हम ही ठीक होंगे, दूसरा कोई खाएगा तो नहीं होगा, दूसरा खाएगा तो वो ठीक होगा, हम ठीक नहीं होंगे। इसी तरह कहने का मतलब है, जैसे कागज का फूल है, उससे हम खुशबू लेने की तमन्ना करते हैं, वो नहीं हो सकता। खुशबू हमें बाग में जाके या फूल से ही मिलेगा। यानी हमारे खुद की, अगर हम डिप्रेशन में है, कुछ भी है, उसको हम खुद जानेंगे कि हम क्यों उदास है, क्यों दुखी है, तो हम खुद जान पाएंगे क्यों है। उसका हल भी हमारे पास है। हम क्या करते हैं, दोस्तों को बोलते हैं, मेरा यार ये काम हुआ नहीं, मेरी ये इच्छा थी बहुत समय से पूरी नहीं हुई, मैं बहुत दुखी हूँ। दोस्त यही कहेगा कि अरे बेचारा, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, ट्राई करना। अब दूसरा कोई पूछता है क्या बात है, वो दुखी क्यों है, कहता है अरे उसकी इच्छाएं बहुत सारी हैं, पूरी हो ही नहीं रही तो दुखी है, वो तो फालतू का है, वो तो पागल हो गया, यही कहते हैं लोग। आप करके देखिए, और फिर जब सुनते हैं हम कि अरे हमने उसको अपने दिल की बात बताई, अपने दिल के दर्द की बात बताई, उसने किसी और को बताई और किसी और से आपको पता चला, तो और दुखी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने दिल की बात अपने दिल से ही करनी है, अपने मन की बात अपने से ही करनी है, तभी हम जानेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, जब हमें चोट लगी है तो हमें पता है किस जगह चोट लगी है, तो हम डॉक्टर को एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो हम खुद ही डॉक्टर हैं अपने मन के। हम अपने दुखी के हम खुद दवा करना जानते हैं, हम खुद उसकी दवा करना खुद जानते हैं, लेकिन खुद से खुद की मुलाकात करवाने पे, खुद के खुद मुलाकात करवाओगे तभी तो जान पाओगे कि क्या है क्या नहीं है। जिस तरह से हम पतीले में पानी गर्म करते हैं, उसके ऊपर ढक देते हैं, तो उस पानी में का जो बॉयल होता है, तो उसी पतीले के जो ऊपर ढक्कन होता है, उसी में बुलबुले आते हैं, उसी में जाता है पानी। अगर हम उसे खोल देते हैं तो वो भाप की तरह उड़ता है। यानी हम अपने दिल की बात या दुख किसी को बताते हैं तो वो चारों तरफ फैलता है, और जब हम उसको ढक देते हैं तो उसी में वो पानी चल जाता है। यानी हम दुखी कब है ये हम खुद ही जानते हैं, और उसका इलाज हम खुद कर सकते हैं। एक बार बैठना सीखो, आप नहीं है तो ये करना सीखो कि हमें किस चीज में अच्छा लगता है, क्या चीज में मजा आता है। एक डायरी बना लो, उसमें लिख लो कि हमें गाना गाने से इस समय ये गाने पे बहुत अच्छा लगता है। दुखी के समय हम दुख भरी गाना सुनेंगे तो और दुखी हो जाएंगे, मन में बस वही दुखी गीत याद आता रहेगा। अगर आपको जिस चीज़ से, शायद प्रभु के गीत से मज़ा आ जाए, शायद भांगड़े के गीत से मज़ा आ जाए, भांगड़े का धुन सुन के मज़ा आ जाए, थिरकने से मज़ा आ जाए, बच्चों के साथ खेलने से मज़ा आ जाए, या कुकिंग करने से मज़ा आ जाए, या घर की सजाने में, घर को सजाने में मज़ा आ जाए, आप एक डायरी रख लो, लिख लो, जब भी आपको लगे कि मैं आज अपसेट हूँ, आज मेरा मन बहुत उदास है, तो उस डायरी को खोलो और उस पन्ने को देखो, और वो काम करने लगो जिससे आपको खुशी मिलती है। लेकिन थोड़ी देर बैठने की आदत डालो, आप डालो। जब आप आंखें बंद करते हो, सपने देखते हो, तो कितना अच्छा लगता है। उस सपनों में वो सब कुछ होता है जो आप चाहते हैं। इसी तरह आप आंखें बंद करके अपने अंदर आप झांकेंगे तो वो सब है, आंसर है आपके पास, जवाब है आपके पास कि आप दुखी क्यों हैं, और उसका हल भी आपके पास है। तभी मैंने कहा ना, कागज के फूल से खुशबू नहीं आती, बाग में जाने से। तो क्यों नहीं ऐसे बन जाते, महको खुद कि बाग बन जाओ, यानी खुद से खुशबू बनाओ।
अगर ये भी नहीं तो अपने दुखी को जो आप दुख हो जो आपको जिस चीज से आप टेंशन में हो डिप्रेशन में हो तो क्यों नहीं लिख लेते हो। चलो यारो उठते हैं आज कुछ लिखते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं, इन पन्नों पे अपनी दिल की बात लिखते हैं। हमारे पास सब कुछ है, चलो आज फिर उठते हैं और अपनी दिल की बात लिखते हैं। हम उदास हैं, क्यों हैं? चलो पूछते हैं, ये तो पूछेंगे, खुद से पूछेंगे तो जानेंगे क्या बात है, और जवाब आएगा तो कहेंगे वाह क्या बात है। मैं यही करती हूँ अगर मैं कुछ क्वेश्चन होते हैं खुद ही से लिखती हूँ पेपर पे, जब जवाब मिलता हो कहती हूँ वाह जानवी वाह क्या बात है। आप भी करिए, ये मुझे बहुत पसंद है, आप भी करिए। ये मैंने अपना टेक्निक बताया जिस चीज़ से, क्योंकि देखिए इंसान हूँ, मानव शरीर है, तो इसमें हर चीज़ है, दुख भी है सुख भी है, तो सुख को मुस्कुराते हुए सबके साथ बांटिए और खुश रहिए, और दुख को अपने साथ रखिए और जानिए क्या है। प्यास लगी है तो खुद पानी पीजिए तभी जानेंगे, दुखी है तो खुद को जानो क्यों दुखी है, उसका हल ढूंढिए। आपको मेरी बात अजीब सी लग रही होगी लेकिन आप करके देखिए। चुनाव था आपका कि आपको कटीले रास्ते पे जाना है या फूलों के रास्ते। चुनाव था आपका कि कटीले रास्ते जाना है या फूलों के रास्ते। हम तो चलेंगे बहारों के रास्ते, मिल बैठेंगे अपनों अपनों के साथ, यानी अपने खुद से खुद की मुलाकात करवा के। डिप्रेशन भी यही है, एक दवा है जिसको आप खुद कर सकते हैं। दूसरों को बता के जग हंसाई होगी, जग हंसाई करने से कोई फायदा नहीं। खुशियां है सबको बताइए, वो जग हंसाई होगा, वो खुशी होगी कि दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आ गया। आप देखिए कोई जॉनी लीवर हमें मुस्कुराते हैं, हम उसकी एक्टिंग पे हंसते हैं, वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं पिक्चरों में तो हम उस हंसते हैं। चार्ली चैपलिन भी क्या करता था, वो भी तो एक्ट ऐसे करता था तो हमें हंसी आती थी। उसने खुशियाँ बांटी यानी अपनी कला से बांटी, तो हम अपनी खुशी से दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं, लेकिन अपने गम से शांत होन के अपने अंदर ढूंढ सकते हैं, अपने आप ढूंढिए, आप खुद इसके डॉक्टर हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप के आप कमेंट करते हैं इसके बदले, आप यूट्यूब पे इधर कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।